मैं राजेश, आप लोग को मैं काटर पिलर का केडीएस की सीवी का बताया। आज मैं बताता हूँ छोटा सावेल, इसको बम्पलेट भी बोलते हैं और छोटा सावेल बोलते हैं। आज मैं इसको दिखाऊंगा आज का इसका पूरा सिस्टम क्या रहता है। और चलो आपको मैं अंदर चल के दिखाता है केबिन के अंदर। बस दोस्तों ये देखो इसका आ रहा, इसको जब चलाना है आप इसको यहाँ पे लगा दे सिस्टम। देखो इसका सेम, इसमें स्टीयरिंग नहीं रहता दोस्तों, इसमें स्लिप रहता है। इसमें आगे करोगे तो आगे जाएगा, पीछे करोगे तो पीछे कर जाएगा, और इस साइड करोगे तो इस साइड जाएगा, इस साइड करोगे तो इस साइड जाएगा। सेम इसका लीवर है अपना, जो किसी का लोटर रहता है वही रहता है। और इसमें दोस्तों इसका सिस्टम इसका क्या है, आगे का जो बकेट लोटर इसका सेम रहता है अपना वही किसी भी वाला। अगर आप ऊपर करोगे तो ऊपर जाएगा और नीचे करोगे तो नीचे जाएगा। और दोस्तों साइड में करो, उस साइड करोगे तो खुलेगा, इस साइड बंद होगा। और दोस्तों अंदर का आपको मैं दिखाता हूँ इसका चाबी का। आपको मैं आ जाओ मेरे भाई अंदर आओ। ये हो दोस्तों हो गया मेरा अंदर का। देखो इसका चाबी, ये इसका चाबी रहता है दोस्तों। इसका हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं, बंद करते हैं। और ये हो गया इसका कांच, कांच का ग्लास रहता है। और ये दोस्तों हो गया इसका हेडलाइट, आगे का लाइट रहता है। और केबिन के अंदर का दोस्तों लाइट ये रहता है। यही है दोस्तों छोटा बबकेट का। इसमें दो एक्सीलेटर है, जैसे अपना जेसीबी में रहता है उसे सेम इसमें। देखो यहाँ पे एक पैर में एक्सीलेटर है, देखो रेस हो गई, और एक इधर पे है। देखो इसमें भी दोस्तों सेम रहता है। मैं सब कुछ आपको सिस्टम इसका बता दिया अंदर बाहर का। अब मैं दोस्तों अब इसका उस्ताद जो है, हर गाड़ी तो मैं नहीं चला पाऊँगा लेकिन इसका उस्ताद है, अभी वो आपको चला के दिखाएगा। चलो उस्ताद थोड़ा